अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों मैं ग्रोसरी आइटम में आपके लिए पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का मशहूर सामान है सोप लेकर आया लक्सो। आज इसका रिव्यू करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ वही प्रोडक्ट खरीदूँ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और वर्ल्ड फेमस भी हो और वो आपको अच्छी क्वालिटी और परफ्यूम वगैरह सफाई वगैरह अच्छी करे। तो आज मैं ब्यूटी सेक्शन में आपके लिए लक्स सोप लेकर आया हूँ, इसका रिव्यू करेंगे आज सिंपल सा। दोस्तों पहले मैं चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ फिर उसका मैं रिव्यू करता हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये लक्स ब्रांड का साबुन है, ठीक है। ये तीन पैक में यूनिलीवर का एक मशहूर ब्रांड है ये। नहीं जी दोस्तों, इसका जो नेट वेट है 145 से 50 ग्राम है नेट वेट। और ये आपने अगर प्रोडक्ट बाई की है तो आपने 2 साल के अंदर इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये जो है इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हैं चंबेली का और बादाम का ऑयल इसमें शामिल है, उसका एक्सट्रैक्ट शामिल है। अदरवाइज़ ये सारा केमिकल बेस्ड हमारा सोप है। तो ये मार्केट में आपको हर ग्रोसरी शॉप, जनरल स्टोर या बड़े मार्ट पे अवेलेबल है और मुख्तलिफ किस्म के मॉल्स के अंदर अवेलेबल है। 170 से 180 रुपीज़ में आपको ये तीन साबुन का बंडल मिल जाएगा। इसमें आपको 15 रुपये की बचत है और एक साबुन आपको अगर मार्केट में जाएँ तो 80 से 85 रुपीज़ का मिलेगा, उसमें आपको ये 15 रुपये की बचत दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जैस्मिन एंड आलमंड ऑयल है सॉफ्ट टच के लिए। दोस्तों इसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, आप इसे बालों में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप फेस वॉश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस्म के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्किन केयर के लिए भी नहीं होता और स्किन केयर के लिए सूदिंग नहीं है। ये आपके मुंह के ऊपर एक ड्राई लहर जो इसे कहते हैं वाइट जो इसके अंदर शामिल है मुख्तलिफ किस्म की कैल्शियम के बेस की चीज़ें, ठीक है, केमिकल्स, वो आपके ऊपर एक स्किन के ऊपर तय जमाते हैं। तो जस्ट ये लग्जरी सोप में आता है, ठीक है। तो ये गहरी सफाई आपकी नहीं करेगा, आपके पोर्स के मसामों की सफाई नहीं करेगा, जस्ट आप इसे इसकी खुशबू को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो आलमंड ऑयल है वो थोड़े आपको बेनिफिट देगा। और दोस्तों इसका जो ड्रॉबैक दूसरा है जी, ये आपको अगर आप इसे पानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्दी घुलता है, ठीक है। ये सख्त साबुन नहीं है, सॉफ्ट साबुन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जी, ये टार्क जो है गहरी किस्म की सफाई नहीं करता, जस्ट ऊपर से आपकी ये तय जमाता है मुख्तलिफ केमिकल्स की। और इसमें मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या शामिल है। इसमें वही टिपिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सॉस में होते हैं, सोडियम लॉरेट, सोडियम पॉमलेट है, सोडियम टलुवेट है, सोडियम पाम कैनोला ऑयल, वाटर्स वगैरह, ग्लिसरीन वगैरह थोड़ी, और मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्ड वगैरह है। यानी टोटली ये केमिकल बेस है। तो आप इसे स्किन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा अगर आपकी सेंसिटिव कॉम्प्लेक्शन है। अगर आपने चेहरे के ऊपर इसे लगाना है तो चेहरे के ऊपर कोशिश करें अलग से कोई अच्छे ब्रांड के जो स्पेशल सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में वो भी सोप के रिव्यूज बताऊँगा। तो आप इसे कैजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आज का रिव्यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसका नेट वेट 145 से 150 ग्राम की एच टिकी है, तीन टिकियाँ हमारी हैं। तो आप इजीली जाकर मार्केट में ये इसे खरीद सकते हैं, आपको हर इजी ग्रोसरी शॉप के ऊपर ये मिल जाएगा। और दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।